नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ में पाकिस्तान से आए एक हिंदू परिवार ने भारतीय नागरिकता मांगी। जल्द ही इस हिंदू परिवार को भारतीय नागरिकता मिलने वाली है। तो अलीगढ़ में पाकिस्तान से आए एक परिवार ने भारतीय नागरिकता की मांग की है। परिवार ने पाकिस्तान में बेटियों पर हो रहे जुल्म की सच्चाई भी बयां की है, जहां परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। बता दें कि पाकिस्तान की सिमरन और उसकी चाची बरजी बाई को जल्द ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दरअसल साल 2013 में दोनों यहां बिना भारतीय नागरिकता के निवास कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों के नागरिकता संबंधित आवेदनों में कमियों को दूर कराकर उनका जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में सिमरन और दर्जी बाई को शपथ दिलाई और नागरिकता से जुड़ी फाइलें शासन को भेज दी हैं। नेशनलिटी के बारे में आए थे, थोड़ी सी कागजों में गलती थी, वो दुरुस्त कराने के लिए आए थे। आपका कोई नेशनलिटी? मैं आया था 2005 में। कहाँ से आए थे? सिंध बलूचिस्तान से, जाफराबाद बलूचिस्तान से। तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी? मुझे मिली है, मेरी वाइफ को मिली है, मेरी लड़की को मिली है, बाकी बहू और बहुती पोती रहती है। अच्छा, तो अब क्या, किसकी नागरिकता के लिए आए हैं? हाँ जी, किसकी नागरिकता के लिए आए हैं? पूजा की, इसकी पोती ज्योति की और सुमरन की। सुमरन तो आपकी, ये कौन है? पोती है आपकी? पोती। अच्छा, यहाँ कब से रह रही थी? 2013 में आए हैं। 2013 में तो कहाँ शिक्षा हासिल की है यहाँ पर आकर? कहाँ एडमिशन? यहाँ पर हम लोगों ने पहले कृष्णा स्कूल में किए। अच्छा, कृष्णा स्कूल के बाद में फिर उन्हें कोचिंग करा के BDS कर रही है। BDS AMU से कर रही है? AMU। एक पाकिस्तान की निवासी परिवार है, हिंदू सिंधी परिवार है, जो जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। वो बच्ची यहाँ AMU में डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। उसका और उसकी जो चाची है, दोनों को भारतीय नागरिकता देने हेतु उनका जो आवेदन आया था, जिसको संस्तुत सहित सरकार को प्रेषित किया गया है। तो बेटे ने बात सिद्धार्थ नगर की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री AK शर्मा ने शिरकत की। तो सिद्धार्थ नगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले के प्रभारी और नगर विकास ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। तो वहीं AK शर्मा ने अधिकारियों और BJP पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उनका ब्लॉक के माधापुर गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने आयुष्मान कार्ड लाभार्थी महिला और पुरुषों को कार्ड बांटे और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर से महिलाओं की तरफ से लाई गई मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत हम सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के देशभक्ति की भावना जगाने का, अपने जो मातृभूमि की सेवा में स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन शहीदों को नमन करने का और अपनी मिट्टी का सम्मान करने का ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ नगर में इतना बड़ा जनसैलाब, विशेष रूप से मातृ। तो मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसकी तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया गया है। तो मथुरा में राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में श्री लाडली जी के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि राधा अष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बता दें कि 23 सितंबर 2023 को राधा रानी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाएगा। इस कड़ी में बरसाना में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। पुलिस प्रशासन ने राधा रानी के जन्म उत्सव के मद्देनजर लाइव दर्शन की भी व्यवस्था की है। दरअसल पहली बार लाइव दर्शन जन्म उत्सव के लिए पुलिस प्रशासन ने मंदिरों के सेवायतों की सहमति मिलने के बाद बरसाने में पहली बार जन्म अभिषेक के दर्शन अब लोग कर सकेंगे। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं, जहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और बैरिगेटिंग पार्किंग लगाई गई है। बरसाना परिसर को 7 जोन और 16 सेक्टर में भी बांटा गया है।
सभी अवगत हैं कि आने वाले दिनों में श्री गणेश चतुर्थी, भगदेव छठ तथा श्री राधा अष्टमी का त्यौहार आयोजित होना है। इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, विभिन्न मंदिरों में इसका आयोजन होता है। श्री राधा अष्टमी की बात अगर करें तो सबसे बड़ा आयोजन बरसाना में श्री राधा रानी जी के मंदिर में होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों की अपने ऑफिसर्स के बीच की बैठकें हुई हैं और इसकी एक वृहद कार्य योजना बना ली गई है। जो आवश्यक पुलिस बल है उसका आकलन करके डिमांड कर ली गई है तथा वो पुलिस बल आवंटित भी हो गया है। जोन सेक्टर्स में विभाजित करके पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ PAC, उसके अतिरिक्त जो हमारी फ्लड PAC होती है, कई गुंडों में लोग स्नान करने का प्रयास करते हैं। तो बेटे हम बात बागपत की कर लेते हैं, जहां आयुष्मान भव्य योजना को लेकर DM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान योजना की जानकारी DM ने दी। तो बागपत में आयुष्मान भव्य योजना को लेकर DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आयुष्मान भव्य योजना को लेकर DM ने जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के रिवर्जन को लेकर बागपत प्रदेश में चौथे नंबर पर रहा है। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रचार प्रसार कर एक तिहाई आबादी को आयुष्मान कार्ड जारी करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। कि जो भारतीय परंपरा है, आयुष्मान भव का ही आशीर्वाद मिलता है। इसी क्रम में जो आयुष्मान कार्ड की योजना पिछले 4-5 सालों में रही है, उसमें जनपद बागपत हम लोग चौथे और पांचवें स्थान पर हैं फैमिलीज को कवर करने में या व्यक्तिगत सदस्यों को कवर करने में। इसी में जो इसका एक व्यापक स्वरूप है, उसमें आयुष्मान सेवा पखवाड़ा है, आयुष्मान 3.0 है, जिसमें कि आयुष्मान का नया वर्जन है, जिसमें कि लोग खुद भी ऐप डाउनलोड करके अपनी पात्रता के अनुसार तो ब्रिटेन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान DM ने बिजली विभाग के जेब पर बड़ी कार्रवाई की है। तो देवरिया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां DM ने बिजली विभाग के जेब पर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि देवरिया जिले में बिजली विभाग का कनेक्शन देने में लापरवाही करने पर DM ने जेब को पुलिस हिरासत में लेते हुए सीधे थाने भेज दिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हलचल मच गया। DM ने यह कार्रवाई बरहज तहसील में समाधान दिवस के मौके पर एक पीड़ित की शिकायत पर की। DM अखंड प्रताप सिंह ने का बताया है कि तहसील दिवस के अवसर पर विद्युत कनेक्शन में संबंधित अनियमितता पाने के लिए शिकायत मिली थी, जिसमें संबंधित जे की बार बार शिकायत सामने आ रही थी। उनकी तरफ से किया गया व्यवहार उचित नहीं था, हमने उनको पुलिस ऑब्जर्वेशन में रखा है और पुलिस इसकी जाँच भी कर रही है। दरअसल बरहज तहसील क्षेत्र के खोड़ा गाँव के रहने वाले छेदीलाल यादव तहसील में ही अधिवक्ता हैं। उन्होंने बीती 19 अगस्त को बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसकी जानकारी जे को भी दी थी, मगर करीब एक महीना होने के बावजूद वेरिफिकेशन और कनेक्शन नहीं किया गया, जहां बिजली विभाग के चक्कर काटने के बाद थक हार कर अधिवक्ता शनिवार को तहसील में समाधान दिवस पर पहुंचे। इसमें जिलाधिकारी की तरफ से मामले की जाँच कर कनेक्शन दिलाने की बात कही गई और जे के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तहसील दिवस के अवसर पर विद्युत कनेक्शन से अनियमितता के संबंध में एक शिकायत प्रकाशित आई और उसमें संबंधित जेई की बारंबार शिकायत आई कि कई मामलों में उनके द्वारा जो है निर्धारित रुचि नहीं ली जा रही है, उनके द्वारा जो व्यवहार है वो व्यवहार उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो उस संदर्भ में उनको मैंने पुलिस ऑब्जर्वेशन में रखा है कि इनका जो ये कृत्य है ये किसी मतलब अनैतिक कर्म से प्रेरित तो नहीं है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है, जैसे ही जाँच होती है उस जाँच में जिन बात बांदा की कर लेते हैं, जहां गणेश उत्सव को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति ने सौंपा है। तो बांदा में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस दौरान केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि ज्ञापन में गणेश उत्सव की मूर्ति विसर्जन को लेकर विसर्जन मार्ग दुरुस्त करने की मांग की गई है। दरअसल आने वाली 29 सितंबर को गणेश महोत्सव का समापन होना है, जिसके चलते गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, लेकिन शहर के विसर्जन मार्ग में अत्यधिक अवरोध होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसी को लेकर परेशानियों को लेकर केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति की तरफ से DM को ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोग यहाँ पर सभी पदाधिकारी ज्ञापन देने DM साहब को आए थे, जिसमें हमारी 19 तारीख से बैठकी होना है गणेश जी की और 29 तारीख को इनका विसर्जन है। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा और घाट की मरम्मत के कार्य के लिए ये ज्ञापन हमेशा के जैसे हर साल दिया जाता है, उस साल के हिसाब से दिया जा रहा है। और ये 9वां वर्ष है जो गणेश महोत्सव
इकट्ठा होकर एकत्रित होकर सब जगह निकलती हैं। बाकी बड़ी मूर्तियां जो विसर्जन रूप में निकलती हैं, बाकी छोटी मूर्तियां जो हैं वो घर घर से निकल के केन नदी में जाके विसर्जित होती। किस तरह आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन क्या हो, तो ज्ञापन दिया है, कार्य उनको करना है वो अपना करेंगे। बांदा केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज 19 तारीख से जो हमारा गणेश महोत्सव प्रारंभ हो रहा है उसकी आने वाली विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे पूरे शहर में 100 प्रतिमाएं लगभग रखी जाती हैं। 19 तारीख से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस जगह को साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, सुरक्षा के संदर्भ में तथा आगामी जो 29 तारीख को हमारा विसर्जन है, विसर्जन रूट और नदी घाट। बाद प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 20 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, तो प्रयागराज में एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी। बता दें कि एसटीएफ और पुलिस की टीम ने सैदाबाद निमहरा रोड के पास दो तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने 20 किलो गांजा भी बरामद किया। दरअसल हंडिया पुलिस और एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि निमहरा रोड किनारे और एक तो युवक अवैध मादक पदार्थ के साथ तस्करी करने के लिए लाए हुए हैं, जिसकी सूचना मिलने पर हंडिया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से दो युवकों को 20 किलो गांजे के साथ बरामद किया। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो बुलेटिन बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां एसपी की तरफ से ऑपरेशन दृष्टि का शुभारंभ किया गया है। तो बागपत में अब अपराधियों की खैर नहीं। बता दें कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत पुलिस अपराधियों पर नजर रखेगी। दरअसल बागपत में एसपी की तरफ से ऑपरेशन दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में एसपी ने लाइन गांव में पहुंचकर ऑपरेशन दृष्टि का शुभारंभ किया, साथ ही जन समस्याएं सुनकर उनका समाधान कराया। तो वहीं एसपी अर्पित विजयवर्गीय की तरफ से लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक भी किया गया। बता दें कि एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने गांव में जन चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी और समस्याओं का निस्तारण किया। ये आज हम लोइन गांव में आए हैं, जनपद बागपत के। यहाँ पे जो हमारे स्थानीय प्रधान हैं, उन्होंने जो हमारा ऑपरेशन दृष्टि चल रहा है उसी में अंतर्गत आज 20 कैमरे लगवाए हैं, और उसी के उद्घाटन के लिए आज मैं लोइन गांव आया था। और यहाँ पे सभी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति भी मौजूद थे, उनसे भी वार्ता की गई, उनको जागरूक किया गया इस कार्यक्रम के बारे में, और जो भी हमारी अपेक्षाएँ हैं और जो उनकी समस्याएँ उनके बारे में भी बातचीत की गई। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, इस तरीके के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो सभी जनपदों में, सभी गांव में, जो जनपद के सभी गांव हैं वहाँ पे सभी जगह हमारा कैमरे का कवरेज हो जाएगा, जो कि अपराध नियंत्रण में तो हेल्पफुल है ही। ये चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह थे जी उपस्थित, और प्रधान जी रणबीर जी, पवन प्रधान जी सुनली जी, और SP साहब आए थे जी, और गाँव वालों का बहुत बढ़िया साथ रहा जी। और बस कैमरे लगे। कितने कैमरे लगे हैं आपके? 16 तो लग चुके हैं, 4-5 और लगवाऊंगे जी। क्या ये अभियान सभी गांवों में चलेगा? इससे हाँ जी। तो बेटे ने बात संभल की कर लेते हैं, जहां महिला अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो संभल में महिला अस्पताल में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग की चपेट में आने से अस्पताल के रिकॉर्ड, लैब और बाकी सामान जलकर राख हो गया। ये सारा मामला संभल की कोतवाली बहजोई क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सुबह अचानक से ही महिला अस्पताल में भीषण आग लग गई। बता दें कि अस्पताल में लगी आग से अफरा तफरी मच गई और अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को बाहर निकाला गया। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में स्कूल में मिड डे मील का खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। तो बागपत के उच्च प्राथमिक विद्यालय दाहा में मिड डे मील के वक्त खाना बनाते समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां अध्यापकों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टला। और बता दें कि यहां सिलेंडर में आग लग गई थी, जहां अध्यापकों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पाकर पहुंची मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। बता दें कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल में करीबन 80 बच्चे मौजूद थे। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद बता दें कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC।